चलिए साहब एक क्लास शुरू करते हैं। तो दिस इज व्हाट सेकंड क्लास ऑफ द पोक्सो एक्ट। इन द अर्लियर क्लास वी हैव कंप्लीटेड अप टू सेक्शन 2। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 3। दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ द पोक्सो एक्ट और ये मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। दिस इज नॉट कि एज ए क्रैश कोर्स के हिसाब से कुछ मोटा मोटा सिखा दिया जाए, बिकॉज दिस एक्ट इज़ वेरी वेरी टेक्निकल इन नेचर। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू गिव ए डिस्क्लेमर इन दिस केस। देखिए ये जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस तो व्हेन आई विल बी टीचिंग दिस एक्ट तो देयर मे बी वेरियस टर्म्स by because we may not feel using those terms when I will speak those terms, when I will explain those terms, some of you may not be comfortable in listening that। तो ये पहले ही कहना चाहता हूँ with due respect to all of you कि ये subject की nature ही अपने आप में ऐसी है कि यहाँ सारी बात ही sexual offences की है। तो उसी तरीके के examples आएंगे, उसी तरीके के कई बार शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है, तो इसलिए कोई ऑफेंडेड महसूस ना करे। तो पहले से ही मैं अपॉलॉजी सीख कर रहा हूँ क्योंकि मैं रेप भी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ये भी पढ़ाते में बचता हूँ ऐसी चीज़ों को, क्योंकि मैं खुद अनईजी फील करता हूँ इन चीज़ों पे, है ना। लेकिन फिर भी बिकॉज अब ये हम लोग सब मैच्योर हैं और अब कम से कम आप मेरे सामने बैठे हुए नहीं हैं, ठीक है। दिस इज़ ए लाइव क्लास तो मैं शायद ज़्यादा कम्फर्टेबल तरीके से आपको ये समझा पाऊँ। तो आई बिलीव कि आप लोग इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे और हम लोग बहुत इसको डिसेंट तरीके से इसको समझेंगे एंड साथ ही साथ टेक्निकलिटीज़ को भी समझेंगे, ठीक। तो विद दीज वर्ड्स आई शुड स्टार्ट दी सेक्शन 3। तो क्या कोशिश होगी मेरी यहाँ पर इन इस क्लास में या आने वाली क्लासेस में, नॉट ओनली दैट आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन बट ऑल्सो द ऑल द टेक्निकलिटीज़, कि जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं इस एक्ट में मैं आपको वो सब समझाऊँगा। जहाँ जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी समझाऊंगा। इससे आप प्रीलिम्स भी कर पाओगे और काफ़ी हद तक क्या मेंस भी कर पाओगे इसमें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ से मैं आपसे ये कहूँ कि प्रीलिम्स से क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आप प्लीज़ मार्क दैट कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो ये हुई दूसरी बात यहाँ फिनिश करके। नाउ आई गो टू वॉट, दिस इज़ द बेर एक्ट। तो प्लीज़ गो टू द बोर्ड एंड दिस इज़ वॉट सेक्शन 3। So please go to section 3 and the first question in your prelims exam will come from the heading itself. This is what section 3. Section 3 defines what? Penetrative sexual assault. इसको बोलते हैं हिंदी में प्रवेशन, penetrative। देखो there are two words basically. You will read the sexual assault as well. Sexual assault and ये कैसा sexual assault है? This is penetrative. इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवेशन, लैंगिक हमला। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम दी हेडिंग ऑफ दिस सेक्शन। और इसी के साथ यू शुड नोट यू विल हैव टू लर्न दी हेडिंग और यू कैन से मार्जिनल नोट्स ऑफ ऑल द सेक्शंस। जितने भी सेक्शन है, वेदर दिस इज सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, व्हाटएवर, इन सभी की हेडिंग्स आपको रटनी ही पड़ेंगी। और क्या प्रिकॉशन लेने इस एक्ट में आपको, देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीटेडली वो यूज होते हैं विद लिटिल बिट चेंजेस। जैसे यहाँ पर क्या गया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। कहीं पर आप क्या देखेंगे, ओनली सेक्सुअल असॉल्ट। कहीं पर क्या होगा, एग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। सो इन्हीं टर्म्स के आगे कई बार लग जाएगा एग्रवेटेड, कई बार ये हट जाएगा। तो उस तरीके से आपको बड़ा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, एग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ पर डिफाइंड है, एग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, कौन कौन से सेक्शन में उनका पनिशमेंट दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा व्हाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि एग्जैक्ट टर्म क्या है। तो वहाँ पर आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ध्यान रखना। एक, यू विल हैव टू रीड लाइक दिस, ओहो ये पेनिट्रेटिव है, तो आप इस तरीके से वहाँ पर राउंड करेंगे, गोल करेंगे और तभी जा करके उसको प्रॉपर तरीके से सेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आई बिलीव कि इतना समझ में आया होगा आपको। बिफोर रीडिंग ऑफ दिस सेक्शन 3 आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो एक्ट है पोक्सो एक्ट, ये है जेंडर न्यूट्रल। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो जाहिर बात है आपकी इमेजिनेशन में कुछ ना कुछ जाएगा, आप उस एक्ट को इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जेंडर न्यूट्रल है ये। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर जो विक्टिम है वो बॉय भी हो सकता है और वो यहाँ पर गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो जरूरी नहीं है कि चाइल्ड पर ही हुआ हो। कि अगर चाइल्ड से किसी और पर करवाया जा रहा है, समझ रहे? एक है कि आप एक एक्यूज ने चाइल्ड पर अटैक किया, वैसा असॉल्ट किया। एक है कि चाइल्ड से कहा जाए यू डू दिस एक्ट विद मी, तो यहां पर जो एक्टिव होगा वो चाइल्ड एक्टिव होगा और कोई व्यक्ति अपने ऊपर वो एक्ट करवा रहा है। तो ऐसी दशा में जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो एडल्ट पर हो रहा है, लेकिन क्योंकि करवाया जा रहा है उस बच्चे को, बॉय को या गर्ल को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में विक्टिम चाइल्ड को ही माना जाएगा। तो ये वाइस वर्सा वाला है, जैसे आईपीसी में है। आईपीसी में रेप गर्ल का होगा, ठीक। लेकिन अगर क्या स्थिति आ जाए कि अगर लड़की कहे कि लड़के से कि तुम मेरे साथ ऐसा एक्ट करो, है ना, ऐसा भी हो सकता है किसी स्थिति में। तो यहां पर आप ये सब देखोगे, वाइस वर्सा भी चलेगा। ये यहां पर दोनों तरह का ट्रैफिक है। एक्यूज परफॉर्म कर सकता है वो ऐसा एक्ट विक्टिम पर, और विक्टिम से कहेगा तू मुझ पे ऐसा कर। तो ये सब होगा, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। नाउ आई कम टू सेक्शन 3। अब डायरेक्ट पढ़ते हैं, प्लीज देखिए। यहां पर आपको यू विल सी द 4 क्लॉजेस। ए पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव, प्लीज फोकस ऑन द वर्ड पेनिट्रेटिव, सेक्सुअल असॉल्ट इफ, नंबर 1, if he penetrates his penis, into what, ऐसे पढ़िए देखिए, and these are the sexual organs, vagina, urethra or anus of what, anus of child। लेकिन खास बात क्या है, you will notice there is a word mouth as well. So here what is this, why it is called penetrative sexual assault? Because there is penetration of what, penetration is of penis, penetration into what, penetration into these organs, vagina, urethra, okay, these are the female sexual organs, anus can be of the woman as well as of a male, and this is the case of mouth. ये समझिए। तो basically ये what is the definition? The definition is what, the penetrative sexual assault. तो when the accused penetrates penis into the named organs herein, जो यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, vagina लिखा हुआ है, urethra लिखा हुआ है, अब आपको इनकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके नाम पे ध्यान रखना है। तो जो पेनिट्रेशन है ये, तो आपको ध्यान क्या रखना है, पेनिट्रेशन ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द एक्यूज्ड, दिस इज द केस ऑफ पेनिस। सेकेंडली, इवन इन द पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस इनटू द माउथ ऑफ द चाइल्ड, जिसको हम कहते हैं ओरल सेक्स, अगर आप बच्चे से ओरल सेक्स भी करवा रहे हो, देन इट विल बी कॉल्ड it will be called penetrative, because यहाँ पर आप अपने लिंग को प्रवेश करवा रहे हो, तो this will be called penetrative, fine। Now second important technicality क्या है इसमें, ये देखिए please see the word, to any extent, किसी भी सीमा तक, fine। तो again very important, it is not necessary that penetration should be up to some extent, बहुत डीपर पेनिट्रेशन हो किसी भी तरीके से, even if it is to a little extent. That is why they have used the word any extent. And why it is so? Why it is so? ऐसी घटनाएं घटती हैं कि बच्चे ने कंप्लेंट की, the child complained that accused came to the roof, picked me, took me to the adjacent roof, बगल वाली छत पर ले गया, then he took off my clothes and he inserted his penis into my sexual organ, and at that time my father, my mom came there. So it was not that much full sexual assault. The penetration was only up to the earlier stage. Then he was caught. So whether it should be called penetrative sexual assault or not, so it cannot be defense. It cannot be defense that penetration was not into the vagina. It was only up to a little extent. Even if it is so, it will be the case of penetrative sexual assault. So what is most important? You will have to keep these organs in mind: vagina, urethra, anus और माउथ. माउथ की क्या बात है मैं आपको समझा चुका कि जरूरी नहीं है कि फीमेल ऑर्गन ही हो. और यहाँ एनएस की बात की गई है अननेचुरल तरीके से. ठीक, एवरीवन अंडरस्टैंड आई बिलीव कि एनएस का मतलब क्या है. तो नॉट ओनली द वेजाइना बट ऑल्सो एनएस. ठीक, तो ये सारे शब्द यहाँ से क्वेश्चन आएंगे. तो इतनी बात आपको समझ में आई. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब यहाँ समझिए आप ये. तो ये आपको समझ में आ गया इतना पोर्शन. आई बिलीव कि इतना आप समझ चुके होंगे दिस वन. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. प्लीज रीड इट. और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो. और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन. समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है. बालक से करवाता है. मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन. अब इसका क्या मतलब है देखिए. इसमें क्या मतलब है जिसको मैंने कहा था वाइस वर्सा हुआ. एक पोजीशन ये हुई दिस इज व्हाट एक्यूज्ड एंड ये चाइल्ड है. नाउ दिस चाइल्ड दिस एक्यूज्ड ये चाइल्ड है इज डूइंग दैट पेनिट्रेटिव एक्ट. ये जो एक्यूज है इस पर वो पेनिट्रेटिव एक्ट कर रहा है. इसके माउथ में, इसके वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस, माउथ, व्हाटएवर. अब दूसरी सिचुएशन हो गई. अब ये व्यक्ति कह रहा है कि नो आई विल नॉट डू, यू विल डू इट. सपोज दिस इज अ फीमेल और ये मेल चाइल्ड है. फाइन. एंड ये है फीमेल एक्यूज्ड. ऐसा भी हो सकता है 15-16 साल का लड़का, 38-39 ईयर्स ओल्ड लेडी. ऐसे बहुत से केसेस हैं. नाउ शी इज सेइंग दिस चाइल्ड टू परफॉर्म दैट सेक्सुअल एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन विद मी. सो इन दिस केस this male child is performing penetrative act within the mouth of this accused. So here you will see what is the difference here. In this case, who is penetrating? The child is penetrating. Into whose mouth? Into the mouth of the accused itself. या तो child के साथ ऐसा करें या चाइल्ड से ऐसा करवाए अपने साथ. या फिर एक सिचुएशन और कवर होती है इसमें, और एनी अदर पर्सन. यू आर सिटिंग देयर एंड यू से यू डू दैट विद दैट. इट हैपेंस. तो आप समझ रहे हैं यहां पर ये. तो ये जो वाइस वर्सा वाली बात हुई कि एक्यूज हिमसेल्फ डू दैट, सही, या किसी और से करवा लेंगे आप ये. सो वाइस वर्सा. बात यह है यहां पर कि आप चाइल्ड का सेक्सुअल एब्यूज कर रहे हैं बेसिकली. व्हाट काइंड ऑफ, जिस तरीके से सेक्सुअल एब्यूज है उसी तरीके से सेक्शन उस पर अप्लाई होते चले जाएंगे. मुझे बताइए बात समझ में आई नहीं आई. पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो आप ये बात समझ गए होंगे अच्छी तरीके से. ठीक, देखो जितनी टेक्निकलिटी से समझोगे, जितनी टेक्निकलिटी से समझोगे उतना जिंदगी भर आप खुश रहेंगे, आपके आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। मैं कल की घटना बताता हूँ आपको कल क्यों हुआ। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली एक फैमिली में एक जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, वो चल रहा है। एक अभी शादी हुई 1.5 साल में ही, और पति पत्नी के डिस्कॉर्ड्स हो गए। तो 5-6 महीने से चल रहा है वो सब, जैसे चलता है। 5-6 महीने से लड़की अपने घर पर है मैके में, और डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन कि आपको एंट्री नहीं है, क्योंकि उसके आत्महत्या करने की टेंडेंसीज़ हैं कि भाई घर में आत्महत्या कर ली तो सब फंसेंगे। कल वो लड़की अपने पिताजी के साथ जब क्लास का टाइम था उसमें घर में प्रवेश कर गई वो, कि अब नहीं जाऊंगी मैं, तो अपने घर में घुस गई। सब लोगों हाथ पैर फूल गए। लेडी है, बाहर भी नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, शर्मा शर्मी का मामला भी है, समझे। मुझ पर फ़ोन आया, मैं भी यहाँ पर फटाफट इसीलिए यहाँ करने क्लास कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन तुरंत के तुरंत, क्योंकि पूरी की पूरी IPC घूम गई, तुरंत फ़ोन लगाया उसके पिताजी को वहाँ पर ही कि यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, हाउस ट्रेसपास, अपराध कर चुके हो बस, ठीक है। 7 इयर्स तक का पनिशमेंट है। आप निकल रहे हैं बाहर आराम से, या फिर दूसरी FIR हो। 15 मिनट नहीं लगे बाहर, बिकॉज वो समझ गए कि ये अपने आप में ऑफेंस मुझसे हो गया। तो वहाँ पर कल प्रैक्टिकल जो वो नॉलेज है तुरंत काम आई, ना किसी की अप्रोच लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की। वो तुरंत इंसान समझ गया कि इफ़ आई एम टॉकिंग समथिंग, मैंने कहा ये अपराध कर चुके हैं, आप नाम बता रहा हूँ, 7 इयर्स से पनिशमेंट है, अगर आप रुकेंगे तो वाकई में FIR होने वाली है अभी। सो वो सब में हो गया। लेकिन तो मैं इसका पर्सनल मैंने एग्जाम्पल आपको क्यों दे डाला, वो इसलिए दे डाला कि इन टेक्निकलिटीज़ की बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप ऐसी जगह देखें कि 10 इयर्स का बच्चा, अब मान लीजिए बच्चे से करवाया जा रहा है, बालक से करवाया जा रहा है, तो लेडी क्या कहेगी, ही रेप्ड मी, यही कहेगी ना, ही रेप्ड मी, ही इंसर्टेड हिज पेनिस इनटू माय सेक्सुअल ऑर्गन्स, दिखेगा सब लोगों को, बिकॉज IPC तो यही कहती है बच्चा अपराधी है। लेकिन यहां पर अगर और फैक्ट्स ऐसे आते हैं, देन हु विल बी एक्यूज्ड, पेनिट्रेटर एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा यहां पर वो लेडी एक्यूज हो जाएगी, बिकॉज ही इज वॉट चाइल्ड, समझ रहे हैं आप। तो या अभी 1 2 3 4 आएंगे, मैं क्यूमुलेटिव समझा रहा हूं अभी आपको। अभी जैसे यहां पर क्या है, आप A B C और D जो इसकी 4 क्लॉज हैं सेक्शन 3 में, वो इतनी वास्ट है, उन्होंने किसी ऑर्गेन्स को नहीं छोड़ा है, किसी एंगल को नहीं छोड़ा है, कोई सी भी ऐसी परिस्थिति नहीं छोड़ी है, नॉट इवन ए सिंगल, which can so that you should be caught, you should be in the net at any cost। तो ये जो मैं टोटलिटी में समझा रहा हूँ आपको, ये सारा A B C D सभी में ऐसी लैंग्वेज है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि वहाँ पर एक्यूज भी पेनिट्रेटर हो सकता है और विक्टिम भी पेनिट्रेटिव हो सकता है। तो यू विल हैव टू सी वेरी केयरफुली वेदर द पोक्सो एक्ट इज अट्रैक्टेड और नॉट, and who is the accused in this case and who is the victim, because of the second line this is very much debatable, makes the child to do so। तो don't forget this, यहाँ पर आप confuse हो सकते थे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, makes the child to do so, बच्चे से ऐसा करवाता है, किसके प्रति, या तो with him अपने पे करवाए, या फिर उससे कहे, पुरुष हो सकता है वो कहे कि ठीक है you do it with my anus child, you do it with my anus, you do with the of anus of the other person। So in all cases because there is a penetration, fine, so this will be called penetrative sexual assault। So I believe it is sufficient explanation of this provision, fine। Should I move any question yahan tak? Now I come to second, this is what B clause B, he inserts what, any object or part of the body not being the penis, what I said to you, जो मैंने कहा था कि they have the drafter of the POCSO Act have not left even a single chance to so that accused should take benefit। यहाँ penis की बात ही खत्म कर दी। Now if the accused thinks that he will use fingers, fingering जिसे बोलते हैं आप जानते हो अच्छे तरीके से, this is the fingering, any object, it may be pencil, it may be anything, you can, जो भी आप imagination जा सकता है, or the part of the body when he is not using, देखो क्या है part of the body but not the penis। तो पहली क्लॉज से बचा, he is not using penis but he is using some other part of the body। Generally it is practically seen, it is the case of fingers, okay, or some other object। यहाँ पे क्या बिल्कुल दिमाग जघन्य अपराधी है, जैसे आपने देखा निर्भया केस में देखा था, सरिया है ना। तो पशुता की तो कोई सीमा ही नहीं हो सकती ना, तो हर तरीके से उसको नेट में लेकर के आना है। इट इज द केस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब यहां देखो आप, ये प्लीज सी दिस अगेन, वही चीजें हैं सब। ही इंसर्ट्स व्हाट, ही इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी not being the penis। I believe कि it should be very clear to you now to any extent। ये भी आप समझ गए होंगे because I have explained it very well। Into what? Into vagina, urethra, anus, fine। यहाँ पर mouth नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। other objects में, वरना क्या कहेगा कि जी इसने मेरे मुंह में अपनी उंगली की थी, भाई ये तो जबरदस्ती पहुंच जाएगा, है ना। तो इतने टेक्निकल से आपको ध्यान रखना है। तो इफ ही इज इंसर्टिंग एनीथिंग, वेदर इट इज द फिंगर और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वट एवर, अब जो भगवान जाने कैसे कैसे क्या आदमी क्या कर सकता है। सो नॉट बीइंग द पेनिस बट इट मे बी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट मे बी एनी अदर ऑब्जेक्ट, और बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है। अभी है कि और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, उसका एक्सप्रेशन सेम रहेगा, या तो वो खुद करता है या फिर ऐसा बच्चे से करवाता है, अपने साथ करवाता है या किसी अन्य के साथ करवाता है। तो आप देखो जो सेक्शन 3 का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड होता जा रहा है। पहले पेनिस, फिर अदर ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट ऑफ बॉडी, अपने साथ कराए, किसी और के साथ कराए। तो यू विल फील दैट द एवरीथिंग हु वॉज कमिंग हेयर ही इज इंसर्ट, हु वॉज हेयर ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड, हु वॉज हेयर ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और इस तरीके से आप देखेंगे ये जो वाइट सर्कल है, जो बाहर दूर आदमी खड़े हैं जिन्होंने यहाँ पर एक्ट किए, उनको भी अल्टीमेटली ये अपने स्कोप में कवर कर लेगा अल्टीमेटली। तो आई बिलीव ये जो मैंने सर्कल बनाई, समझ में आया नहीं आया, क्या समझाना चाह रहा था मैं ये, कि इसका जो स्कोप है वो धीरे धीरे आप देखेंगे वो बढ़ेगा इसमें। तो दिस वॉज बेसिकली क्लॉज 2। नाउ थर्ड पर आइए। ही मैन्युपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। देखो नेक्स्ट स्मार्टनेस देखिए ड्राफ्टर की। ही मैन्युपुलेट्स द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ चाइल्ड, बच्चे के ही किसी अंग को मैन्युपुलेट करता है। कैसे? सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन। किससे पेनिट्रेशन हो? बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। इन टू वॉट? बढ़ो जरा आप देखो, इन टू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। तो पार्ट किसका? चाइल्ड का पार्ट। पेनिट्रेशन किसके बॉडी में हो रहा है? उसी की बॉडी में हो रहा है। तो ये वो सिचुएशन हुई जब चाइल्ड से कहा जाए कि तुम अपने ही साथ करो। एक्यूज सेज टू द एक्यूज कि यू डू फिंगरिंग इन टू योर सेक्सुअल ऑर्गन्स योरसेल्फ, यू इंसर्ट योर फिंगर्स इन टू योर एनस इफ इट इज पॉसिबल, यू डू दिस लाइक दिस। सो हेयर व्हाट इज द मैन्युपुलेशन? इज ऑफ व्हाट? मैन्युपुलेशन ऑफ इज ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। organ of the child is being manipulated, and for what purposes? Purpose is that part is penetrated into the other organ of the child herself or himself। gender neutral ध्यान रखेंगे आप लोग इसमें। तो ये बात समझ में आई नहीं आई? तो who is the penetrator? Child। In whose victim the penetration is being done? Child। So this is what the manipulation of the body of the part of the body of the child itself। So pehle mein kya aaya? That was specifically for the penis। Other part mein second mein unhone kya cover kiya? Other part of the body एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड में उन्होंने कवर किया मैनिपुलेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड इटसेल्फ। प्लीज लेट मी नो ये सी क्लॉज समझ में आपको आई या नहीं आई। चलिए साहब नेक्स्ट पर आते हैं। और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, फिर वही है या तो ऐसा या फिर ऐसा वो या वो ऐसा बच्चे से करवाए। ठीक है, एकदम वाइस वर्सा हो गया। इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सेम ही बात समझानी है इसमें। नेक्स्ट इज व्हाट, प्लीज से दिस, अप्लाइज हिज माउथ, applies his mouth, he applies his mouth to the penis, to the vagina, urethra, anus of the child। ठीक, ये समझिए वही बात, applies his mouth। अब यहां देखो आप ये कि अभी रिवर्स हो गया, accused is applying mouth to the penis of the child, you can say it in the case of oral sex। accused is applying mouth to the vagina or urethra of the female child, accused is applying mouth to the anus of the child। so these are the different ways covered by this subclause। तो व्हाट इज व्हाट, दिस इज केस ऑफ माउथ, ए वाज द केस ऑफ पेनिस, सेकंड वाज द केस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द पेनिस, एंड नेक्स्ट वाज द मैनिपुलेशन ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज व्हाट द केस ऑफ स्पेसिफिकली ऑफ द माउथ। तो ए वाज द केस ऑफ पेनिस, बी इज द केस ऑफ द अदर पार्ट, डी इज द केस ऑफ माउथ। तो यहां ध्यान रखना ये ओवरलैपिंग भी हो सकती है इसमें, ऐसा नहीं है कि सी का डी का सी में भी आप अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो बी में भी डी कवर हो जाएगा। बट द ड्राफ्टर ऑफ द एक्ट वांटेड टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस कि इट शुड बी ड्राफ्टेड इन सच डिटेल्स दैट एवरी एक्शन, एवरी पॉसिबल सेक्सुअल असॉल्ट शुड बी कवर्ड इनटू द सेक्शन 3। तो इस तरीके से, एंड अगेन मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, सेम एक्ट या तो उससे कर रहे हैं या फिर चाइल्ड से करवाए। तो यहां पर क्या हो गया, चाइल्ड का माउथ हो गया, माउथ किसका हो गया यहां पर, अब यहां चाइल्ड का माउथ हो गया और चाइल्ड से कहे कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। सही है। तो आप भी अगर आप ये सोच रहे हो कि दिमाग में ये रहो कि ऐसा होता है नहीं होता है, तो आई लेट यू नो जितना घिनौना काम आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप पॉर्न देखी होगी कभी या देखते हैं वॉट एवर, लेकिन उसमें भी शायद उतना नाम दिखाई दे आपको जितना कि आपको रिश्तों की धज्जियां उड़ती हुई आपको पॉक्सो कोर्ट में दिखाई देंगी। कोई सा ऐसा रिश्ता मैंने नहीं देखा, भाई बहन, पिता पुत्री, ये तो सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ते माने जाते हैं, ये भी नहीं बचे। जीजा साले की तो बात ही छोड़ दो, है ना। और भी जितने भी है दोस्ती, वो सब तो कॉमन चीज़ें हो गई। मतलब मैं दंग रह गया था कि एक 16 साल की बच्ची का फादर रिपीटेडली रेप कर रहा था वो। और दिक्कत क्या थी, लड़की रो रही है क्योंकि उसकी 5 बहनें छोटी हैं जो कि कोर्ट में आके सो गई हैं इसी में आकर के, क्या नहीं सर मेरे साथ दिक्कत ये है कि अगर इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया तो 5 लड़कियों को संभालेगा कौन, इसका जिंदा रहना भी जरूरी है, इसका जेल से बाहर रहना भी जरूरी है। मेरे साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन 5 बहनों का क्या होगा फिर अगर ये चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे काम होते हैं। ठीक, तो चलिए हमें उस समय इमोशनल स्टोरीज में नहीं जाना है, बट इट हैपन्स। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे दिस इज सेक्शन 3। सेक्शन 3 में 4 हैं, देखिए क्लॉज, ए क्लॉज है, बी क्लॉज है, सी क्लॉज है एंड डी क्लॉज है। यहाँ पर आपने देखा पेनिट्रेट्स पेनिस, यहाँ पर आपने देखा इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस, एंड सी में मैनिपुलेशन ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी है, एंड डी इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ द माउथ। तो आई बिलीव अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रॉम माई साइड सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज ओवर।